स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। इस वक्त 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए अभी भी दुनिया का नंबर वन सुपर पावर देश है, पर इस रेस में चाइना भी ज्यादा पीछे नहीं है। इन दोनों भी देशों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया पर, और ये दोनों भी देश बहुत हाई इकोनॉमीज जनरेट करते हैं। अगर यूएसए दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी है तो चाइना नंबर टू है। सिर्फ यूएसए और चाइना मिलकर ही हमारे ग्लोबल जीडीपी का 40% जीडीपी बनाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये दोनों देश कितना इकोनॉमी जनरेट करते हैं। वैसे तो यूएसए और चाइना एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स तो है ही, लेकिन ये एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी है। दोस्तों क्या होगा अगर यूएसए और चाइना के बीच जंग छिड़ जाए तो? दोनों भी देश बहुत पावरफुल है तो किसके पास ज्यादा एडवांटेज होगा? इस मिलिट्री कंपैरिजन में हम चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यूएसए मिलिट्री के सामने खड़ा करेंगे और देखेंगे इस मैचअप में क्या होता है। इस कंपैरिजन में हम दोनों देशों की मिलिट्री के तीनों सेनाओं के बारे में बात करेंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। किस सेना की कैपेबिलिटी कितनी है और उनके हथियार कितने एडवांस है, और अगर ये जंग होती है तो कौन जीतेगा। तो कहीं मत जाना, पूरा देखना इस वीडियो को। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही होगी कि यूएसए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अपनी मिलिट्री पर बाकी दूसरे देशों से। तो इस साल यूएसए का लेटेस्ट मिलिट्री बजट है 934 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो यूएसए की ओवरऑल जीडीपी का 3.1% है। दोस्तों ये इतना पैसा है कि कई देशों की ओवरऑल जीडीपी को ऐड करोगे तो भी इतना नहीं होगा। वही अगर हम चाइना के मिलिट्री बजट की बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है यूएसए के बाद, जो है 229 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि चाइना की ओवरऑल जीडीपी का 1.9% है। तो बजट के मामले में यूएसए चाइना पर भारी है, काफी ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बजट में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश ज्यादा खर्च करता है उसका मिलिट्री पावर सबसे बेस्ट है। अगर यूएसए का मिलिट्री बजट ज्यादा है तो चाइना मैन पावर के मामले में यूएसए को लीड करता है। इस वक्त यूएसए की करंट पॉपुलेशन है 33 करोड़, और चाइना की करंट पॉपुलेशन है 145 करोड़। बहुत ज्यादा आबादी का मतलब है बहुत बड़ा सेना बल। नंबर ऑफ आर्मी के मामले में चाइना नंबर वन पर है, लगभग यूएसए से दुगनी आर्मी है चाइना की। तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक्टिव ड्यूटी पर 1.3 मिलियन पर्सनल है, मतलब 13 लाख एक्टिव पर्सनल। वही अगर चाइना की बात करें तो एक्टिव ड्यूटी पर है 2 मिलियन पर्सनल, मतलब 20 लाख एक्टिव पर्सनल। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो ये दोनों देश एक दूसरे से काफी दूर है, तो इतनी बड़ी सेनाओं के साथ जमीनी लड़ाई होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों देशों के एयरफोर्स कैपेबिलिटीज पर नजर डालते हैं। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के पास टोटल 5,414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स है, और वही अगर चाइना की बात करें तो टोटल 3,370 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स है। ये जो एयरक्राफ्ट्स के नंबर्स है ये बदलते रहते हैं, न्यू प्लेन्स ऐड होते हैं और पुराने एयरक्राफ्ट्स रिटायर हो जाते हैं। अगर अभी के वक्त में हम बात करें तो चाइनीज मिलिट्री बहुत तेजी से एयरक्राफ्ट्स बना रही है और खरीद रही है यूएसए के कंपेयर में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में दोनों भी देशों के एयरक्राफ्ट नंबर्स बराबर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोनों भी देशों के पास किस टाइप के एयरक्राफ्ट है और किस देश के पास बेहतरीन फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और ट्रांसपोर्ट्स है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ही वाइड वैरायटी में एयरक्राफ्ट्स है, जिनमें से सबसे इम्प्रेसिव एयरक्राफ्ट्स है जैसे F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर, F-15 ईगल। ये फाइटर जेट्स यूएस एयरफोर्स को बहुत ताकतवर बनाते हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने भी अपना स्टेल्थ फाइटर खुद ही बनाया है, चेंगडू J-20, जिसके बारे में मैं पहले ही डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर लिंक है, बाद में आप देख लेना उस वीडियो को। तो चाइना के पास स्टेल्थ फाइटर चेंगडू J-20 तो है, पर बहुत कम नंबर्स में है। आसमान में यूएस मिलिट्री को एक लेथल एडवांटेज है चाइनीज मिलिट्री के कंपेयर में। यूएस एयरक्राफ्ट में ज्यादा सोफेस्टिकेटेड एवियोनिक्स है, ज्यादा नंबर्स में फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स है, और बहुत ज्यादा नंबर में सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स है जैसे टैंकर एयरक्राफ्ट्स और अवैक्स प्लेटफॉर्म्स। और ये सब के अलावा एक एवरेज अमेरिकन पायलट हर साल 20 से 30 घंटे ज्यादा ट्रेन होता है चाइनीज पायलट के कंपेयर में।
दुनिया में सिर्फ चाइना ही नहीं, दूसरे भी बड़े बड़े देशों की जो एयरफोर्स है उनमें भी ज्यादा नंबर्स में ट्रांसपोर्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन यूएसए के पास ये काफी ज्यादा नंबर में है। यूनाइटेड स्टेट्स के मैक्सिमम एयरक्राफ्ट्स अप टू डेट है। वही अगर चाइना की बात करें तो चाइनीज एयरफोर्स वही पुराने एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल कर रही है। वो एयरक्राफ्ट फंक्शनल तो है पर ओल्डर मॉडल के है, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यूएस के यही कुछ एयरक्राफ्ट्स देख लो, जैसे बोइंग B-25, स्ट्रेटो फोर्ट्रेस, नॉर्थरोप B-2 स्प्रिट और रॉकवेल B-1 लेंसर। इन एयरक्राफ्ट से इजीली ग्राउंड टारगेट्स को डोमिनेट किया जा सकता है। अब आसमानी लड़ाई को छोड़कर हम बात करें तो दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई होगी यूएस नेवी और चाइना नेवी के बीच। किसी भी देश के डिफेंस में नेवी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेवल एरसनल में सबसे इम्पोर्टेंट जो शिप होता है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर समझ लो के ये तैरते हुए किले होते हैं जिससे अपोजिंग कंट्री पर घमासान एयर स्ट्राइक्स की जा सकती है। अगर अभी के वक्त में हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड लीडर है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में। इस वक्त यूएसए के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। वही अगर चाइना की बात करें तो इस वक्त चाइनीज नेवी में 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये चीज यूएस नेवी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। अब चलिए दूसरे वॉरशिप्स की बात करते हैं। मान लो कि चाइना ने यूएस के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिस्ट्रॉय कर दिए, तो क्या अब चाइनीज नेवी को एडवांटेज मिलेगा यूएस नेवी पर हावी होने का? तो यहाँ कह सकते हैं लगभग कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस वक्त अराउंड 430 नेवल शिप्स है, लेकिन अगर जंग छिड़ जाए तो यूएस सिर्फ 300 नेवल शिप्स ही डिप्लॉय करेगा, बाकी के नहीं। अब चाइना की बात करें तो चाइना के पास है इस वक्त अराउंड 335 शिप्स। चाइना भी 15-20% शिप्स डिप्लॉय नहीं कर पाएगा मेंटेनेंस रेट्रोफिट और क्रूज रिलैक्सेशन की वजह से। अगर सबमरीन्स की बात करें तो इस वक्त यूएसए के पास 66 सबमरीन्स है और चाइना के पास 76 सबमरीन्स है। सिर्फ सबमरीन्स के मामले में चाइना यूनाइटेड स्टेट्स पर भारी पड़ रहा है, लेकिन यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, पैसिफिक में यूएस को हराना नामुमकिन है। अगर चाइना को यूएस नेवी की बराबरी करनी है तो इस एम्प्टी स्पेस को फिल करना होगा और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ाने होंगे, और चाइना इस पर काम भी कर रहा है। आने वाले दशक में चाइनीज नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर के नंबर्स बढ़ सकते हैं, पर फिलहाल तो यूएस नेवी को चाइनीज नेवी नहीं हरा सकती। अब बात करते हैं यूएस आर्मी और चाइनीज आर्मी जमीन पर एक दूसरे से भिड़ती है तो क्या होगा। एक बात तो हमें पता है, नंबर ऑफ आर्मी के मामले में चाइना लगभग डबल है यूएसए का। अगर दोनों आर्मी का टकराव होगा तो दोनों तरफ लोग मरेंगे, लेकिन चाइना के पास इतना ज्यादा मैन पावर है कि वो और लोगों को आगे कर सकता है लड़ने के लिए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पास इतना मैन पावर नहीं है। हम इस वक्त 21वीं सदी में है तो इस तरह की जंग का सवाल ही नहीं उठता। तो हम मशीन्स के बेसिस पे बात करेंगे किसके पास कितनी और कैसी मशीन्स है, जैसे कि टैंक्स। यूनाइटेड स्टेट्स का टैंक एयरसनल है लगभग 8010 व्हीकल्स का। यूएसए का मेन बैटल टैंक है द लेजेंडरी M1 अब्राहम्स, वो भी लेटेस्ट अपग्रेड्स के साथ। इस टैंक का निशाना कभी नहीं चूकता और इसके रास्ते में जो भी आता है उसे ये टैंक तहस नहस कर देता है। तो ये खतरनाक टैंक बहुत ज्यादा नंबर्स में है यूएस आर्मी में। और अब चाइना की बात करें तो चाइनीज आर्मी में 6560 टैंक्स है। इन टैंक्स में से लगभग आधे टैंक्स फर्स्ट जनरेशन के टैंक्स है कोल्ड वॉर के वक्त के, और लगभग 2360 टैंक्स टाइप 59 के है। टाइप 59 के टैंक्स को 50s और 60s के जमाने में प्रोड्यूस किया जाता था। ये टैंक्स रिटायर हो चुके हैं, पर फिर भी चाइनीज आर्मी ने इन्हें रिजर्व में रखा है। इसका मतलब चाइना की जो टैंक फोर्स है वो बहुत वीक है यूएस टैंक फोर्स के सामने। यूनाइटेड स्टेट्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है अपने टैंक्स और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए। आपको यूएस मिलिट्री के एयरसनल में कुछ भी आउटडेटेड नहीं मिलेगा, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, हर चीज मॉडर्नाइज्ड है। तो टैंक बैटल में चाइना यूएस को नहीं हरा सकता। दोस्तों, अब तक जितनी भी जंग लड़ी गई है वो धरती पर ही लड़ी गई है, मेरा मतलब इसी प्लैनेट पर लड़ी गई है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा लगता है उन्हें पृथ्वी के बाहर भी लड़ना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यू ब्रांच ऑफ मिलिट्री इम्प्लीमेंट की है, स्पेस फोर्स। तो स्पेस फोर्स को इस हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है ये फोर्स स्पेस में लड़ने में सक्षम हो। इनके हथियार और व्हीकल्स भी स्पेस के हिसाब से डिजाइन होंगे।
तो यूएस ने इस न्यू हॉरिजोन पर अपनी मिलिट्री को डेवलप करना शुरू कर दिया है। अब चाइना की बात करें तो चाइना के पास कोई स्पेस फोर्स नहीं है फिलहाल तो, पर लेकिन चाइना अपने स्पेस प्रोग्राम्स को बहुत रैपिडली एक्सपांड कर रहा है। चाइना थर्ड कंट्री थी ह्यूमन को स्पेस में भेजने वाली रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। चाइना ने 2003 के बाद से स्पेस में बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। चाइना पहली और लौती कंट्री है जिसने रोवर लैंड किया है मून के डार्क साइड पर और वहाँ बहुत सी अलग अलग डिस्कवरीज की। चाइना कंटिन्यूसली सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। अब तक चाइना के सैटेलाइट्स टोटल है 320 जिसमें से 105 मिलिट्री सैटेलाइट्स है। वही यूएसए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के 123 मिलिट्री सैटेलाइट्स है, जबकि यूएसए बहुत पहले से है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। यूनाइटेड स्टेट्स नासा का बजट हर साल कम करता जा रहा है, वही चाइनीज गवर्नमेंट अपना बजट हर साल बढ़ाती जा रही है स्पेस प्रोग्राम्स में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में चाइना स्पेस के मामले में यूएस से आगे निकल सकता है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो यूएस मिलिट्री के पास काफी ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस है चाइनीज मिलिट्री के कंपेयर में। यूएसए को वर्ल्ड वॉर टू का और मोस्ट रिसेंटली मिडिल ईस्ट में 1991 के डेजर्ट स्ट्रॉम के शुरुआत से यूएस ने अपनी मिलिट्री मेंटेन कर दी थी मिडिल ईस्ट में। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में लगातार 18 साल से लड़ रहा है। इसका मतलब यूएस के मिलिट्री पर्सनल्स और लीडर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली स्किल्स और एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। वही अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने पिछले 41 साल से कोई वॉर नहीं लड़ी है। लास्ट वॉर चाइना ने 1979 में वियतनाम से किया था, उसके बाद से अब तक कोई जंग नहीं की है चाइना ने। यूएसए और चाइना दोनों भी न्यूक्लियर स्टेट है। इस वक्त चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पर ये कुछ भी नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के कंपेयर में। यूएस के पास 6370 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है अंडर कंट्रोल। लेकिन ये बात दोनों भी देश जानते हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज करने से अंजाम बहुत बुरा होगा और दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वॉर हो। तो दोस्तों, वीडियो का कंक्लूजन ये है, अगर आज के वक्त में चाइना यूनाइटेड स्टेट्स से लड़ेगा तो चाइना की हार होगी, आने वाले वक्त का कुछ कह नहीं सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।